हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं फिर से बना रही हूँ डोसा, वो भी शाम के नाश्ते में। एक्चुअली मेरे बेटे को साउथ इंडियन डिश बहुत पसंद है, इडली, डोसा, उपमा, तो हमेशा मेरे घर में ऐसे ये डिश बनते रहता है, तो कभी ब्रेकफास्ट में तो कभी शाम के नाश्ते में इस तरीके से। तो अभी मैं उसी का तैयारी कर रही हूँ, तो अभी आलू छील रही हूँ, डोसा की मसाला तैयार करूँगी इसलिए। और आज मैं पीनट्स की चटनी बनाऊंगी, तो उस दिन मैं नारियल की चटनी बनाई थी, तो आज मैं बनाऊंगी पीनट्स की चटनी। तो वो उस दिन मैं पीनट्स मंगा ली थी और ये भी टेस्टी लगता है। जिस तरीके से मैं नारियल को यूज़ की थी उसी तरह से मैं पीनट्स को यूज़ करूंगी, सिर्फ नारियल के जगह, जैसे कि चटनी में, आलू में। तो बस इसीलिए पीनट्स को मैं ड्राई रोस्ट कर रही हूँ अभी। और ये ड्राई रोस्ट हो चुका है, बस इसको मैं उठा ले रही हूँ और इनको ठंडा होने के लिए रख देंगे, और ये जब ठंडा होगा तभी हम चटनी बनाएंगे। तो गरम गरम में इसका चटनी नहीं बनाना चाहिए, तो ख़तरा होने का चांस रहता है। और जब तक पीनट्स मेरे ठंडा होता है तब तक मैंने आलू बना लिया है, और आलू का रेसिपी मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोग के साथ शेयर किया था, बोल के इस वीडियो में मैंने नहीं दिखाई। और पीनट्स का चटनी भी बन गया है, बस चटनी को हम छौंक देंगे। और बाबू अभी ट्यूशन पढ़ रहा है, तो एक बार आके देख रहा है कि बना है कि नहीं, और बोल के गया है कि मम्मा जल्दी से बनाना। और बच्चा खुशी खुशी कोई चीज़ खा लेता है तो बहुत ही अच्छा लगता है यार, वो चीज़ बार बार बनाने का मन भी करता है, और ये हेल्दी भी है, तो उसमें भी नो डाउट। तो इसीलिए ही मेरे घर में ज़्यादातर बनता ही है। तो अभी हो गया है शाम का 6:30 और आरुष जस्ट अभी डोसा खा के नीचे गया है खेलने के लिए, तो आधा घंटा अपने फ्रेंड लोग के साथ वो खेलेगा, फिर 7 बजे से मैं उसको पढ़ाने लगूंगी। और थोड़ा सा टाइम मुझे अभी मिल गया, तो मैं सोची चलो मैं आप लोग से थोड़ा सा बातें कर लेती हूँ, नहीं तो फिर नहीं होगा, और पूरा वीडियो में वॉइस ओवर देती रहूंगी। और 3-4 दिन से लगातार इतना बारिश हो रहा है, जिस वजह से कपड़ा मेरा सूख नहीं रहा है और घर पूरा नमी होके है, घर में ऐसे दिख रहा है। और जहाँ जहाँ मैंने बहुत सारा जगह में मैंने कपड़ा को पसार के रखी है ताकि सूख जाए, सोफा में, चेयर में, बेड में, क्योंकि बच्चा का घर है, कपड़ा गंदा हो ही जाता है, बेडशीट भी गंदा हो गया है, 2-3 बेडशीट इकट्ठा हो गया है, क्योंकि एक दिन में नहीं सूख रहा है, उसको सूखने में 2-3 दिन लग रहा है। तो बस बारिश के मौसम में ऐसे थोड़ा होता है, अच्छा लगता है बारिश, बट एक दिन अच्छा लगता है, लेकिन 2-3 दिन लगातार बारिश में से नहीं अच्छा लगता है। और आप लोग बताना कि आप लोग का वहाँ पे कैसे बारिश हो रहा है। और मेरा कुछ ज्वेलरी और कॉस्मेटिक फैल चुका है, मतलब लिपस्टिक के बकेट में इयरिंग के बकेट में लिपस्टिक, नेकलेस वगैरह ऐसे ही फैल चुका है। एक्चुअली क्या होता है, जल्दबाजी में ना कभी कभार इयरिंग्स पहनते हैं, तो उसको खोल के रखने के टाइम मैं लिपस्टिक के बकेट में रखती हूँ, या तो फिर लिपस्टिक को मैं इयरिंग के बकेट में रखती हूँ, तो इस तरीके से सारा चीज़ ना फैल चुका है इधर उधर होके। तो अभी मुझे टाइम मिल गया है, तो मैं सोची चलो इस काम को मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। और ये सब ऑर्गेनाइज करके रखने से देखने में तो अच्छा लगता ही है, और टाइमली हर एक चीज़ मिल जाता है, परेशानी नहीं होता है। तो बस उसको मैं ऑर्गेनाइज कर रही हूँ, समेट रही हूँ, और ये छोटा छोटा काम आज करेंगे कल करेंगे ऐसे ही करके ना पेंडिंग हो जाता है। और ये देखिए मेरा घर का हालत, तो ये फैला हुआ नहीं है, मैं जानबूझ के इस तरीके से रखी हूँ ताकि सूख जाए, और मैंने फैन चला दिया है। और ये पूरी तरीके से भीगा हुआ कपड़ा नहीं है, ये परसों का कपड़ा है, तो हल्का फुल्का भीगा हुआ है, तो उन सबको मैं इस तरीके से कुछ बेड में और चेयर में फैला दिया है और फैन चला दिया है ताकि सूख जाए।
और मैं किचन में आ गई हूँ और डिनर बनाने के लिए। और उसको मैंने इस बीच पड़ा लिया है, ये अदरक लहसुन का पेस्ट, टमाटर पेस्ट, प्याज पेस्ट और एक बॉईल कर लिया है क्योंकि मैं एक करी बनाऊंगी। तो बस एक को मैं इस तरीके से चाकू से इस तरीके से कर रही हूँ ताकि मसाला अंदर तक जाए, और एक करी इस तरीके से बनाने से टेस्टी लगता है। और उस बीच और उसको पढ़ाते पढ़ाते मैंने मसाला तैयार कर लिया था, और सारे एक को मैं मैरिनेट करके रखूँगी, तो इसीलिए हल्दी पाउडर, नमक और कश्मीरी रेड चिली पाउडर मिला के इनको 5-10 मिनट के लिए ऐसे ही रख दूँगी। तो ये मैरिनेट होके रहेगा, फिर इनको मैं फ्राई कर लूँगी, तो इस वजह से इनका एक अच्छा सा कलर आ जाएगा। और जब तक एग मैरिनेट हो रहा है तब तक मैं मसाला तैयार कर लेती हूँ। तो ये प्याज के पेस्ट में मैं जीरा पाउडर, धनिया पाउडर ऐड करी हूँ, और जीरा पाउडर मैं थोड़ा सा ज़्यादा करके ऐड करी हूँ ताकि एक अच्छा सा फ्लेवर आए, और एक करी में जीरा पाउडर का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। फिर हल्दी, नमक और कश्मीरी रेड चिली पाउडर, बेसिक मसाला जो है वही सब, और थोड़ा सा पानी डाल के मिला रही हूँ ताकि अच्छे से सारा मसाला एक साथ मिल जाए। और मसाला रेडी हो गया है, और मैंने कढ़ाई बिठा दिया है और सरसों का तेल मैंने ऐड कर दिया है। तो अभी एग जो मैरिनेट करके रखी थी, सारे एग को मैं फ्राई कर लूँगी। और ये फ्राई हो चुका है, अच्छा सा एक कलर भी आ चुका है, तो बस इसको मैं उठा रही हूँ और बस इसी तेल में ही हम ये करी एक करी बना लूँगी। तो थोड़ा सा पाँचफोड़न और एक सूखी हुई लाल मिर्च डाला है, और पाँचफोड़न से भी इसका बहुत अच्छा एक टेस्ट आता है, फ्लेवर आता है। और बस मसाला जो मैं तैयार करके रखी थी वो मसाला मैंने डाल दिया है, और इनको मैं फ्राई करूँगी तब तक जब तक प्याज थोड़ा सा भुन ना जाए तब तक। और फिर उसके बाद में अदरक लहसुन का पेस्ट जो बना के रखी हूँ वो ऐड कर दूँगी, और अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद ही मैं इनको चलाते रहूँगी ताकि कढ़ाई के तले में लग ना जाए, और इनको थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी और अदरक लहसुन का जो एक कच्चापन रहता है वो चला जाएगा। फिर उसके बाद में टमाटर प्यूरी ऐड कर दूँगी और इनको बहुत अच्छी तरीके से फ्राई करना है जब तक ये मसाला फ्राई ना हो जाए और तेल छूट ना जाए। और ये देखिए मसाला फ्राई हो चुका है, तेल सेपरेट हो चुका है मसाला से। अब पानी डाल देंगे, तो जितना ग्रेवी रखना होगा उसी हिसाब से ही हम पानी डालेंगे। तो 2 कप पानी डाला था मैंने, और बस पानी में एक उबाल आ जाएगा तब हम एक जो फ्राई करके रखे थे वो सब ऐड कर देंगे। तो बस ये उबाल आ चुका है और एक मैंने ऐड कर दिया है, और इसको ऐसे ही होने देंगे 10 मिनट ताकि मसाले के साथ अच्छे से ग्रेवी के साथ एक भी थोड़ा सा पक जाए, और उस बीच मैं रोटी बना लूँगी। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा ये व्लॉग पसंद आए तो मेरा वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा ताकि मेरा न्यू वीडियो का अपडेट आप लोग को मिलते रहे। और लाइक करना मत भूलिएगा क्योंकि आप लोग का एक लाइक से बहुत मोटिवेट मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। और साथ ही साथ कमेंट भी करते रहना ताकि मुझे आइडिया मिले कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस तरीके से बनाऊँ, क्या बनाऊँ, किस टॉपिक के ऊपर बनाऊँ। और आप लोग का कमेंट पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैंने सारा रोटी बना लिया है, और ये करी जो है वो भी बनके तैयार हो चुका है। क्योंकि मैं लो फ्लेम में बना रही थी तो इसीलिए थोड़ा बनने में टाइम लगा है, लेकिन इस लो फ्लेम में बनाने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा रहता है। और बस मैंने ऊपर से गरम मसाला ऐड कर दिया है और तुरंत मैंने गैस ऑफ कर दिया है। बस अभी हम लोग डिनर कर लेंगे, और ये देखिए मैं आप लोग को दिखा रही हूँ कैसा है दिखने में।
और तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।